हेलो एवरीवन, मैं वंदना और डेविलिशी डिलीशियस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, एक स्टार्टर सिसिलियन पनीर बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सिसिलियन पनीर के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, तो करीब मैं 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बटर और थोड़े से ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक। इसी गार्लिक के साथ हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिसे भी मैंने करीब करीब 1 टेबलस्पून लिया है, और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ऑयल में चिली फ्लेक्स डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1 कप बहुत ही बारीक कटे हुए प्याज, और इसे हम बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पर पकने देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे कुक करना है। प्याज बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। प्याज अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 1.5 कप बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर जो है उन्हें मैंने छील लिया था और छील के बहुत ही बारीक बारीक काट लिया था। आप चाहें तो छिलके के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर छीलने से ये बहुत ही अच्छे से जल्दी पकेंगे और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे कुक होने देंगे वापस। इसमें हम डालेंगे करीब 1 टेबलस्पून ऑरेगनो और 1/2 टीस्पून इटालियन हर्ब्स। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके कुक होने देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद जब आपको लगे टमाटर थोड़े पक चुके हैं तो यहाँ पर डालेंगे हम कैप्सिकम। कैप्सिकम को इस तरह मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है, या मैंने तीनों तरह की कैप्सिकम ली है, तो हम थोड़ी सी कैप्सिकम इसमें मिला लेंगे। हम कैप्सिकम पहले इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि यदि हमने पहले कैप्सिकम डाली तो यह ओवर कुक हो जाएगी, और इसे हम वापस कवर होके थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे। जब ये बहुत ही अच्छे से पकने लग जाए और थोड़ा थोड़ा सा इसमें से ऑयल रिलीज होने लग जाए, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। बहुत ही थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो सिसिलियन ग्रेवी या सॉस है इसे हमें बहुत ही अच्छा पकाना है, तो अब हम इसे वापस कवर करके थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। हमने इसमें जो भी पानी डाला था वो बहुत ही अच्छे से सूख गया है। अब इस सॉस में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस। ये जो मार्केट में रेडी सॉस मिलता है मैंने वही यूज़ किया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून पास्ता पिज़्ज़ा सॉस डाला है। और 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप, और करीब 1 टेबलस्पून के लगभग रेड चिली सॉस। अब इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस समय इस ग्रेवी को आप टेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सॉल्ट या सॉसेस जो भी रिक्वायर्ड हो आप इसमें इस समय डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ग्रेटेड चीज़। 1 कप चीज़ लिया है मैंने, ये मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। आप प्रोसेस चीज़ की जगह यहाँ पर चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें पार्मेसन चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने प्रोसेस चीज़ इसलिए लिया है, बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाता है। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है या जो हमारा सिसिलियन सॉस है वो बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर के क्यूब्स। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर लिया है, और पनीर को इस तरह लंबा और आधा इंच इस तरह से चौड़ा, इस तरह से मैंने सारे पनीर के पीस कर लिए हैं। और अब हम इस पनीर को इस ग्रेवी में डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हम इसे बहुत ही ज़्यादा हिलाएंगे तो हमारा पनीर टूट सकता है। ये देखिए पूरा पनीर बहुत ही अच्छे से ग्रेवी में लिपट गया है। अब हम इसे कवर करके और गैस बंद करके थोड़ी सी देर छोड़ देंगे, जिससे पनीर में बहुत ही अच्छा सॉस का फ्लेवर आ जाएगा। रेडी है हमारा सिसिलियन पनीर, बहुत ही डिलीशियस स्टार्टर है। आप ज़रूर ट्राई करें।
इसे सर्व करें गार्लिक ब्रेड के साथ। गार्लिक ब्रेड के साथ ही ये बहुत डिलीशियस लगती है। चीज़ गार्लिक ब्रेड का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमने बहुत सारा चीज़ हमारे पनीर में डाला है। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।